यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात करेंगे बात मुद्दे की में, बड़े परिवर्तन की, बड़े बदलाव की। जी हां, बाराबंकी में डीएम की पहल ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। जो महिलाएं कच्ची शराब बनाती थी वो अब शहद बना रही हैं और उससे अपनी जिंदगी में मिठास घोल रही हैं। आप भी देखिए। परिवर्तन मात्र एक शब्द नहीं है, उसके पीछे एक संघर्ष भी होता है, जिस वजह से परिवर्तन संभव होता है और उसी परिवर्तन का प्रकाश बाराबंकी के लोगों के जीवन में देखने को मिला। दरअसल बाराबंकी का सूरतगंज इलाका कच्ची शराब के व्यापार के लिए बदनाम रहा और उसको देखते हुए कई बार कार्रवाई भी हुई। यहाँ रहने वाली महिलाएं कच्ची शराब बनाने का काम करती रही हैं, लेकिन इस दीप की तरह उनके जीवन में भी प्रकाश फैल गया है। दरअसल बाराबंकी के प्रशासन ने एक बीड़ा उठाया, न सिर्फ कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का, बल्कि इस काम में लगी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी, जिससे ये लोग इस मौत के कारोबार को छोड़ दें। इसके लिए बाराबंकी के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह ने एक मुहिम छेड़ दी और इस मुहिम ने महिलाओं की जिंदगी को बदल दिया। दरअसल बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आई महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव हुआ है। जो हाथ पहले मौत का सामान बनाते थे वो अब शहद बनाते हैं और जिंदगी में मिठास घोलते हैं। कच्ची शराब बनाने वाली महिलाओं की बदली जिंदगी, मधुमक्खी पालन के लिए किया प्रेरित, शहद और मोम बनाने के काम में जुटी महिलाएं, डीएम की पहल ने बदल दी जिंदगी। दरअसल बाराबंकी के डीएम ने एक पहल शुरू की और इस धंधे से बाहर आने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया, जिसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला, जिसके बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मधुमक्खी पालन के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया, जिसके बाद महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटकर शहद निकालने का काम किया, तो वहीं उसी मधुमक्खी के छत्ते से मोम बनाने का काम भी शुरू किया गया, जिसके बाद पूरे गांव की तस्वीर ही बदल गई है। इस परिवर्तन की शुरुआत हुई एक संकल्प से, जिसमें शराब के कारोबार से न जुड़ने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही इस परिवर्तन के प्रतिबिंब के रूप में महिलाओं ने 51,000 दीपों की श्रृंखला तैयार की है, जिससे उठती हुई रोशनी ने जीवन के परिवर्तन से संसार को परिचित करवाया कि अगर वाकई मन में जीवन के बदलाव की प्रतिज्ञा हो तो उसे सरल और सहज तरीके से बदला जा सकता है। बाराबंकी से एबीपी गंगा के लिए सतीश की रिपोर्ट।